हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रियल कार्पेक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइज, आज की वीडियो में हम उस सेगमेंट को टच करने वाले हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनी कार ढूंढते हैं। अगर आपका बजट भी बहुत टाइट है और आप ढूंढ रहे हो बिटवीन 5 to 7.5 लाख के बीच में कोई कार, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ऑप्शंस बताऊंगा जो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये कार्स ले रहे हो या ऑप्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। तो अगर बात करी जाए अपनी लिस्ट की सबसे पहली कार की जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आती है टाटा की तरफ से टियागो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसके XT वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए जो आपको कॉस्ट करेगा 6.7 लाख, और ऑन रोड आते आते वो कार आपको 7.5 लाख के बीच में पड़ेगी। ये कार 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। 3 सिलेंडर इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिलता है जो कि 84 BHP और 130 Nm के टॉर्क प्रोवाइड करता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज कार 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। बहुत ही अच्छी कार है, और अगर आपका ये रेंज पे अगर आप कार देख रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए कार हो सकती है। इस कार में आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगी, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स वाइज आपको 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार तो मिल ही रही है। तो गाइस, इस वेरिएंट की तरफ अगर आपका बजट टाइट है तो इस कार की तरफ आप जरूर जा सकते हो। बात करते हैं अपनी लिस्ट की सेकंड कार की, जो है हुंडई एक्स्टर। एंड हुंडई एक्स्टर का सेकंड बेस वेरिएंट EX ऑप्शनल आप कंसिडर कर सकते हो। ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 6.24 लाख, एंड ऑन रोड आते आते ये वेरिएंट आपको कहीं ना कहीं 7.2 और 7.3 के बीच में पड़ेगा। ये कार भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ये कार 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो रिफाइनमेंट के मामले में हुंडई, वी ऑल नो कि कितनी रिफाइनमेंट होती है इसके इंजन में। गियर शिफ्टिंग भी काफी स्मूथ है इस कार की, तो ये कार एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एंड इस कार में आपको सेंटर लॉकिंग, 6 एयरबैग और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा वेरिएंट हो सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो इस कार को भी आप कंसिडर कर सकते हो। बात करते हैं अपनी लिस्ट की थर्ड कार की, वो है मारुति बलेनो। मारुति बलेनो का सिग्मा वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप इसके सिग्मा वेरिएंट की तरफ जा सकते हो जो कि आपको कॉस्ट करता है 6.61 लाख एक्स शोरूम, और कहीं ना कहीं ये कार आपको ऑन रोड आते आते 7.5 लाख की पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज इसके सिग्मा वेरिएंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये कार भी आपको 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन भी इस कार में आता है, तो रिफाइनमेंट और गियर शिफ्टिंग वगैरह भी इस कार में बहुत अच्छी है। तो वैसे भी वी ऑल नो मारुति की कार कितनी ज्यादा रिफाइन होती है। एंड उसके अलावा एक अच्छी एवरेज भी इस कार में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बात करूं फीचर्स की, तो बहुत सारे फीचर्स इस कार में आ जाते हैं। आपको इस कार में चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आपको इस कार में, इस वेरिएंट में मिल जाता है। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग, प्रोजेक्टर हैंडलैम्प भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। तो जरूरत की सारी चीजें आपको इसके सिग्मा वेरिएंट में मिल जाती है। सिर्फ एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिसिंग होता है, वो आप बाहर से आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है ये कार भी आपके लिए अगर आपका बजट टाइट है। एंड इस कार को मैं बोलूंगा कि इस कार को आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। ये कार बहुत अच्छी है इस प्राइस रेंज के बात करूं तो। एक लिमिटेड बजट में काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये मारुति का, तो आप इस कार की तरफ भी जरूर जा सकते हो। तो गाइस, अब मैं बात करता हूं अपनी लिस्ट की फोर्थ कार की, वो है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा पंच। और इसका जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा इसका एडवेंचर वेरिएंट। अगर आप टाटा एडवेंचर वेरिएंट की तरफ जाते हो तो ये कार आपको कॉस्ट करती है 6.9 लाख एक्स शोरूम, और ऑन रोड आते आते ये कार आपको 7.7 लाख समथिंग के बीच में पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस रेंज में कोई कार ढूंढ रहे हो, बिकॉज मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की तरफ से ये कार आती है। एंड टॉप कार है ये इस सेगमेंट की। इस सेगमेंट में हर महीने 10,000+ यूनिट ये कार सेल करती है, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी टाटा का। और अगर आप इस वेरिएंट की तरफ जाते हो तो इसमें भी आपको 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन मिलता है, बट ये 3 सिलेंडर ऑप्शन इंजन ऑप्शन के साथ आती है। बट कहीं ना कहीं जो NVH लेवल को लेके जो इश्यूज था, वो अब BS6 फेज 2 कंप्लाइंट के बाद काफी ज्यादा रिजॉल्व हो चुका है। तो इस कार को भी आप कंसिडर कर सकते हो। फीचर वाइज अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 2D इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अगर आपको अपग्रेड करना है
और आपको टच स्क्रीन लगाना है इसमें, तो आप आफ्टर मार्केट या फिर इसमें रिदम पैक ऐड करा सकते हो। उसमें आपको कैमरा भी इंस्टॉल मिल जाएगा अगर आप रिदम पैक की तरफ जा सकते हो, बट अगर वो आपको ज्यादा कॉस्ट कर रहा है तो उस केस पे आप आफ्टर मार्केट भी इसमें इंस्टॉलेशन करा सकते हो। तो गाइज ये तो रही हमारी चार कारें जो अभी तक हमने देखी। अब हम बात करते हैं अपनी कार इस लिस्ट की फिफ्थ कार की, जो कि आने वाली है मारुति की तरफ से, एंड ये कार है मारुति स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट के बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है। मारुति स्विफ्ट काफी टाइम से अपने सेगमेंट को रूल करती है, काफी हैचबैक सेगमेंट में बताऊं तो काफी बहुत बढ़िया कार है ये, एंड ये कार आपको कॉस्ट करती है। और इस कार का मैं जो वेरिएंट आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा VXI वेरिएंट, एंड इसका VXI वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 6.95 लाख एक्स शोरूम, और ऑन रोड आते आते ये कार आपको 7.7 लाख के बीच में पड़ेगी। एंड ये कार भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप कोई हैचबैक सेगमेंट की कार चाहते हो तो, इस और आपका बजट लिमिटेड है तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड मैं एक वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा कि आप कैसे अपनी कार में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, और आप चाहते हो कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, मैं जरूर इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया 7.7 लाख समथिंग ये कार आपको ऑन रोड पड़ सकती है, तो इस कार में भी आपको 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन मिलता है, बट ये 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन है तो रिफाइनमेंट इसमें आपको ज्यादा मिलेगी 3 सिलेंडर के कंपैरिजन। उसके अलावा इस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं, बहुत कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। कार में आपको बहुत ही ज्यादा पैपी इंजन मिलता है। इसके साथ साथ इस वेरिएंट में आपको आपकी जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इस कार में आपको चारों पावर विंडोज मिल जाएंगी, इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, सारे जरूरत के फीचर्स इस कार में आपको मिल जाएंगे इस वेरिएंट में। तो गाइस ये वेरिएंट भी आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है, और अगर आपका बजट टाइट है तो इस लिस्ट की जो ये पांचों कार हैं, ये पांचों कार आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार हो सकती है। और अगर आप इनमें से कोई भी कार ऑप्ट कर सकते हो तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो इस लिमिटेड बजट में ये सारे ऑप्शन बहुत बढ़िया है। अगर मैं कोई ऑप्शन मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मैंने ट्राई किया है कि अपनी तरफ से बेस्ट कार मैं आपको बता सकूं। तो मेरी तरफ से अगर आप कोई बजट सेगमेंट में कार ढूंढ रहे हो तो ये पांचों कार एक बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।